आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में घमासान। प्रधानमंत्री बोले, दीदी ने दी मुझे जेल भेजने की धमकी। साध्वी प्रज्ञा ने बढ़ाई बीजेपी की मुसीबत। नाथूराम गोडसे को कहा देशभक्त। बीजेपी ने साध्वी के बयान से पल्ला झाड़ा। दिग्विजय के लिए हटियोग और रैली करने वाले कंप्यूटर बाबा पर मामला दर्ज। किया था चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन। शिवराज सिंह को किसान कर्ज माफी में घोटाले का अंदेशा। दिग्विजय सिंह ने मोदी को कहा नालायक। और रायसेन में युवक ने की परिवार की हत्या। सागर में कार दुर्घटना में 4 लोगों की मौत। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में जारी भाजपा और तृणमूल के घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरापुर में रैली की। इस दौरान उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि दीदी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते थकती नहीं है। उन्होंने कहा कि दीदी बंगाल के बच्चों को जेल में डाल देती हैं, लेकिन घुसपैठियों को उन्होंने खुद ही छूट दे रखी है। मोदी ने कहा कि दीदी को देश की चिंता नहीं है, वह बंगाल में टोलाबाजी करती है। पीएम ने कहा कि गुंडागर्दी के दम पर दीदी आम लोगों का जीवन मुश्किल बना रही हैं। दीदी ने मुझे जेल भेजने की भी धमकी दी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में रैलियां की और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दीदी ने मुझे जेल भेजने की भी धमकी दी है। दीदी सरेआम धमकी पर उतर आई हैं। मोदी ने कहा कि टीएमसी के गुंडे हिंसा फैला रहे हैं। उन्होंने विद्यासागर जी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया। वहां सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। जिस तरह प्रदेश सरकार ने नारदा और शारदा घोटाले के सबूत मिटाए, उसी तरह सरकार इस घटना के तथ्य मिटाना चाहती है। मेरी मांग है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। भाइयों और बहनों, हार की हताशा दीदी को इस तरह से डरा रही है कि वो सरेआम धमकियों पर उतर आई है। आज सुबह सुबह ही मुझे जेल भेजने की धमकी दी गई है। कल मीडिया में मैंने देखा कि दीदी ने बीजेपी के दफ्तर पर, बीजेपी के ऑफिस पर कब्जा करने की भी धमकी दी है। दीदी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर पर कब्जा करने की भी धमकी दे रही है। दीदी जनता के बीच आपकी जो पहल, इसी मानसिकता से अब आपको बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कार्यालयों को भी हड़पना है। इसी मानसिकता से पश्चिम बंगाल आपसे परेशान है और आपका बोरिया बिस्तर पैक करने की ठान चुका है। मोदी ने कहा, बुरी तरह हार देखकर सपा बसपा सहित ये तमाम महामिलावटी आज पूरी तरह से पस्त हैं। बेंगलुरु में एक दूसरे का हाथ पकड़ के फोटो खिंचवाई थी। जैसे ही प्रधानमंत्री पद की बात आई तो सब अपना अपना दावा लेकर अपनी अपनी ढपली बजाने लगे हैं। कोई 8 सीट, कोई 10 सीट, कोई 20-22 और कोई 35 सीट वाला प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने लगा है। मोदी ने विपक्ष को निशाना बनाते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध, एयर स्ट्राइक का विरोध, घुसपैठियों की पहचान का विरोध, नागरिकता कानून का विरोध, 3 तलाक के कानून का विरोध, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का विरोध, कदम कदम पर मोदी का विरोध करना, सिर्फ यही इनका मॉडल है। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भले ही पार्टी ने 19 मई तक मौन रहने की सलाह दी हो, लेकिन प्रज्ञा जब भाजपा के प्रचार पर निकली तो कांग्रेस पर निशाना साधने से नहीं चूकी।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से आतंकियों को पालने पोसने का काम किया है। उन्होंने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया। उधर भाजपा ने साध्वी के इस बयान से किनारा करते हुए साध्वी को इस बयान के लिए माफी मांगने के निर्देश दिए हैं। भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी के समर्थन में साध्वी प्रज्ञा सिंह ने आगर में रोड शो किया। साध्वी प्रज्ञा का जो अंदाज भोपाल में नजर आया, ठीक वैसा ही भगवामय अंदाज यहां रोड शो में भी नजर आया। छावनी नाका चौराहे से रोड शो शुरू हुआ तो मुख्य बाजार होते हुए बस स्टैंड पहुंचा। यहां साध्वी ने चुनावी सभा को संबोधित भी किया। इस दौरान ऐसा लगा साध्वी बीजेपी की मुसीबतें कम होने देना नहीं चाहती। उन्होंने कांग्रेस पर आतंकियों को समर्थन करने का आरोप लगाया। अभिनेता कमल हसन द्वारा नाथूराम गोडसे को देश का पहला आतंकी बताने पर साध्वी ने कहा, नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, देशभक्त हैं और देशभक्त ही रहेंगे। जो उन्हें आतंकवादी कहते हैं उन्हें इस चुनाव में जवाब मिल जाएगा। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे, ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं की गिरेवान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। साध्वी प्रज्ञा का नाथूराम गोडसे पर बयान आने के बाद बीजेपी टेंशन में आ गई है और उसने साध्वी को ऐसे मामले से दूर रहने और सोच समझ के बोलने की नसीहत दी है। बीजेपी ने साफ कहा है कि गांधी जी के हत्यारे को महिमा मंडित नहीं किया जा सकता। सूत्र बताते हैं, बीजेपी ने साध्वी से कहा है वे इस मामले पर माफी मांगे। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। भोपाल में कंप्यूटर बाबा और चंद्रशेखर रैकवार के खिलाफ भोपाल के कोहे फिजा थाने आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। बाबा ने भोपाल में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के लिए हटियों कर रैली निकाली। कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के लिए रैली निकालना और हटियों करना कंप्यूटर बाबा को भारी पड़ गया है और बाबा चंद्रशेखर रैकवार के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी के शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया है। कंप्यूटर बाबा और चंद्रशेखर रायकवार ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए हवन, पूजन और रैली निकालकर दिग्विजय सिंह के पक्ष में प्रचार किया था। भाजपा नेता राहुल कोठारी एवं शांति लाल लोढ़ा ने 7 मई को मध्य प्रदेश चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद भोपाल कलेक्टर ने कंप्यूटर बाबा को नोटिस जारी किया था। नोटिस का जवाब देने की जगह बाबा भोपाल से गायब हो गए। इसके बाद उनके प्रतिनिधि ने चुनाव आयोग को जवाब दिया था, जिससे संतुष्ट नहीं होने पर कार्यक्रम के पूरे खर्च को दिग्विजय सिंह के चुनावी खर्चे में जोड़ दिया गया है। इसमें धार्मिक कार्य पर राजनीति उद्देश्य की पूर्ति का मामला भी दर्ज किया गया है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना। 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना। 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। शिवराज सिंह ने कहा किसान कर्ज माफी घोटाले की बुआ रही है।
किसान कर्ज माफी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का कांग्रेस पर हमला जारी है। उन्होंने कहा इस मसले पर कमलनाथ और राहुल गांधी गलत बयानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे भाई रोहित को लेकर भी इन्होंने झूठ बोला। शिवराज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की कर्ज माफी में घोटाला हुआ है। श्री राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी हर सभा में ये कहते हैं कर्जा माफ कर दिया। मैं जनता से पूछता हूँ कर्जा माफ नहीं हुआ, ये कर्ज माफी मुद्दा है। और आश्चर्य तो ये है कि ये कर्ज माफी ऐसा लग रहा है जैसे घोटाले में बदल रही है। एक पेपर बार बार राहुल जी ने दिखाया, कमलनाथ जी ने दिखाया, शिवराज के भाई रोहित का हमने कर्जा माफ किया है। असलियत ये है तो रोहित ने 24,000 रुपये का ऋण लिया था, कर्जा लिया था 17/8/2016 को। फसल बीमा के लिए जो राशि जमा करी थी 752 रुपये और 960 रुपये, ये 16 और 17 और फसल ऋण जो था 25,712 था। रोहित ने 25,000 रुपये पहले जमा कर दिए, उसके बाद शेष बचा था 712 रुपया। लेकिन फसल बीमा का जो क्लेम आया फसल बीमा योजना के अंतर्गत वो 12,202 रुपये 27 पैसे आया, उसमें से 712 अगर घटा दिए जाए तो 11,101 रुपये 79 पैसे रोहित को लेना है सोसाइटी से। रोहित के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, इस तरह का झूठ तो ना बोले। शिवराज सिंह ने कहा हर जगह किसान परेशान है और कांग्रेस सरकार गलत बयानी कर रही है। पश्चिम बंगाल में अमित शाह के रोड शो में हुए हंगामे पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को दफन कर दिया गया है। बंगाल में एक नई क्रांति पैदा हुई है जो तेजी से बढ़ रही है। वहां की जनता गुंडागर्दी से मुक्ति विकास चाहती है। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भोपाल में लोकसभा चुनाव के दौरान तो चुप रहे, लेकिन जैसे ही भोपाल में मतदान निपटा दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला और नालायक शब्द का इस्तेमाल किया। रतलाम की एक सभा में उन्होंने कहा कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक थी, सर्जिकल स्ट्राइक तो इंदिरा गांधी ने भी की थी और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। भोपाल के चुनाव में फंसे दिग्विजय सिंह अब प्रचार के लिए बाहर निकले तो उनके बिगड़े बोल फिर सुनाई दिए। रतलाम के शिवगढ़ में हुई सभा के दौरान दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला और नालायक शब्द का इस्तेमाल किया। दिग्विजय सिंह के ये बिगड़े बोल कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। शिवगढ़ में हुई चुनावी सभा में दिग्विजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा युवा मोदी मोदी करते हैं, क्या दिया मोदी ने, रोजगार छीन लिए, वो लोग बोलते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाएगा। अरे नालायकों, 500 साल मुसलमानों ने और 100 साल ईसाइयों ने देश पर राज किया, तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं पड़ा तो अब कैसे पड़ जाएगा। प्रधानमंत्री और ये राजीव गांधी के बारे में क्या कहते हैं ये मोदी, शर्म आनी चाहिए मोदी जी। राहुल जी ने ठीक कहा है, हमको 56 इंच का सीना नहीं, 56 का दिल चाहिए, बड़ा दिल चाहिए। देश को चलाना है तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इस भारत के नागरिक हैं। कहते हैं हिंदू धर्म खतरे में है, अरे नालायको, 550 साल मुसलमानों का राज रहा था, हमारे धर्म को कुछ नहीं बिगड़ा तो अब क्या बिगड़ेगा। आज नौकरियां खत्म हो रही है, नौकरियां मिल नहीं रही है, नौकरियां जा रही हैं, लोग बाग आज परेशान हैं। इसलिए मोदी को हटाओ, भाजपा को भगाओ और देश में कांग्रेस को लाओ। दिग्विजय सिंह यही नहीं रुके, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दिग्विजय सिंह ने फिर पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा वो कह रहे हैं हमने देश बचा लिया है, देश बचा लिया। दिग्विजय सिंह के बिगड़े बोल से कांग्रेस की परेशानी बढ़ सकती है। इससे पहले वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर द्वारा नीच कहे जाने पर खासा बवाल मचा था और ये सियासी मुद्दा बन गया था। अब नालायक जैसे शब्दों के प्रयोग से भाजपा को नया मुद्दा मिल गया है। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह के इलाके में जब दूसरी जगह का पुलिस वाला आकर गड़बड़ी कर रहा था तो उनका गुस्सा होना लाजमी था और उन्होंने ऐसा ही किया तो एसपी की भी खिड़की बन गई। बस घटना का वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है।
मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह के सामने खड़े पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी कुछ कहने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं। मामला राजगढ़ जिले का है। मंत्री पुलिस अधीक्षक को खरी खोटी सुना रहे हैं और पुलिस अधिकारी सुन रहे हैं। प्रियव्रत सिंह की इस नाराजगी की वजह भी बहुत साफ है। जब पुलिस वाला अपनी तय इलाका छोड़कर दूसरी जगह काम करेगा तो इतनी नाराजगी तो बनती है, लेकिन मंत्री जी के संवाद का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। हाँ। क्या करने आया था वो यहाँ पे? क्या करने आया था केल दांगी इंस्पेक्टर यहाँ पे? पदस्थ है यहाँ पे? पदस्थ है वो यहाँ पे? पदस्थ नहीं। क्यों? उसके कहने तो तुमने छोड़ दिया उनको? नहीं नहीं, उसके कहने केएल दांगी के खिलाफ कार्रवाई करनी सर, मैं उसको भी देखूं। केएल दांगी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनके सबके पूरे स्टाफ के खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये कौन सी दुकान चला के बैठे हुए हैं ये लोग? ये केएल दांगी आएगा यहाँ पे? देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना। 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना। 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक क्रूर पिता ने अपने बेटे के शव तक को घर में जगह नहीं दी और इसके बाद बहू और अपनी पोतियों को घर से बेदखल कर दिया। पीड़ित महिला अपने गले में पति की अस्थियां टांगे अपनी बच्चियों के साथ एसपी ऑफिस न्याय की गुहार लगाने पहुंची। पुलिस अब इस मामले की जाँच कर रही है। छतरपुर के हरपालपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एसपी ऑफिस पहुंची इस महिला और उसकी दो मासूम बेटियों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। प्रियंका सोनी नाम की इस महिला ने गले में इनके पति की अस्थियां लटका रखी थी। प्रियंका सोनी ने बताया कि उसके पति रविंद्र का कैंसर से बीती 12 मई को निधन हो गया। मौत के बाद उसके पति रविंद्र का शव उसके ससुर रामदास ने घर पर रखने से मना कर दिया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद भी पिता ने न शव घर पर रखा और न बेटे का अंतिम संस्कार किया। तब रविंद्र की 4 साल की बेटी ने पिता का अंतिम संस्कार किया। मेरे पति रविंद्र सोनी तो पहले शादी जब हुई थी तब घर में रहते थे, फिर नंदे और सास ये सब बहुत परेशान करते थे, मार पीट करते थे, तो हम दोनों अलग से रहने लगे। तो कुछ भी दिया नहीं उन लोगों ने, मजदूरी करके चल रहे थे हम लोग, अपना चला रहे थे। फिर एक उनको ये कैंसर की बीमारी हो गई, फिर इसके इलाज में बहुत पैसा खर्च हुआ, कर्जा भी लेते रहे सब लोगों से, और घर से उन लोगों से मदद की इच्छा की तो उन्होंने कुछ दिया नहीं। और जब उनकी मृत्यु हो गई तो इसके बाद में भी जब घर गए तो उनने सबको रखने से इनकार कर दिया। आज न्याय चाहते हैं हम लोग कि प्रशासन हमारी मदद करे। थाना हरपालपुर क्षेत्र का मामला है। इसमें एक रविंद्र सोनी नामक युवक की कैंसर से मौत होना बताया था। घर पर उसकी डेड बॉडी गई तो उसके पिता ने अंतिम संस्कार आदि में शुरू नहीं किया। जो बहू है रविंद्र सोनी की, उसके द्वारा और उसके ससुर दोनों के द्वारा इस यहाँ कम्प्लेट की गई, जिसके खिलाफ मामला जांच के लिए एसडीपी दिया गया, जो भी तथ्य है कार्रवाई की गई। पिता के इस हरकत से विवाद और बढ़ गया और ससुर रामदास ने अपने बहू और बच्चियों तक को पनाह देना मुनासिब नहीं समझा। इसके बाद मृतक रविंद्र की पत्नी अपनी दो मासूम बेटियों के साथ एसपी ऑफिस पहुंची और पुलिस से गुहार लगाई कि उसे और उसके बच्चों को ससुराल वाले साथ नहीं रख रहे हैं।
देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। रायसेन जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक युवक ने अपने माता पिता और पत्नी की कुल्हाड़ी और गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं 7 साल के मासूम पर भी जानलेवा हमला किया, जिसे गंभीर अवस्था में भोपाल रेफर किया गया है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक मामला रायसेन के बरेली थाने के घाट सेमरी गांव का है, जहां आरोपी जितेंद्र पुरवैया ने अपने ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। वहीं 7 साल के बेटे को भी हत्या की कोशिश की। इस बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। थाना प्रभारी कुंवर सिंह मुकाती के मुताबिक बुधवार देर रात आरोपी जितेंद्र पुरवैया पत्नी सुनीता से विवाद के बाद मारपीट कर रहा था। उसी दौरान माता पिता बीच बचाव में आए तो आरोपी ने सभी को कुल्हाड़ी और गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं 7 साल के बेटे पर भी जानलेवा हमला किया है, जिसे भोपाल के हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का था। घटना के बाद वह मौके से फरार हो गया है। बरेली पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं आरोपी की तलाश की जा रही है। तीनों का बरेली में पोस्टमार्टम कराया गया। मृतकों में पिता जामल सिंह, जितेंद्र की माता और पत्नी सुनीता शामिल हैं। यह हत्या क्यों की गई, आरोपी के पकड़े जाने के बाद ही हत्या के सही कारणों और पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। सागर के देवरी पुलिस थाना इलाके में कार दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये घटना रात करीब 1 बजे की है। ये सभी सागर से देवरी में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। जानकारी के मुताबिक देवरी के बाईपास 4 लेन सड़क से गुजरते वक्त मीरा ढाबे के पास कार चालक नियंत्रण खो बैठा और कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, जहाँ सभी युवक कार में फंसे हुए थे, जिन्हें बाहर निकाला गया। कार सवार इन 6 युवकों में से 3 की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। वहीं 1 ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। 2 घायलों को सागर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के नाम अंकित यादव, जितेंद्र जाटव, संजय जाटव और जगदीश जाटव हैं। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना। 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना। 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक भोपाली अंदाज में बात करते नजर आ रहे हैं। ये युवक एक कार में बैठे हैं और इनके सामने एक टाइगर सड़क पर आ गया है और धीरे धीरे इनकी कार के पास आकर कुछ सेकंड के लिए खड़ा हो गया, फिर सड़क पार करके घने जंगल की तरफ चला गया। आपको बता दें कि भोपाल में रातापानी अभ्यारण्य में भ्रमण करते हुए कलियासोत, गुलाय डैम, केरवा नदी के आसपास अक्सर लोगों को टाइगर नजर आ जाते हैं। घटते जंगल, कम होती हरियाली और सूखते पानी के कारण ये टाइगर छांव और पानी की तलाश में सड़कों पर आ जाते हैं। हालांकि वन विभाग ने भी हर जगह चेतावनी के बोर्ड लगा रखे हैं, मगर सड़क पर जाते टाइगर को देख लोग अक्सर गाड़ी रोककर वीडियो बनाने लगते हैं, जो खतरनाक हो सकता है। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस।
धुनी रमा रहे साधु कंप्यूटर बाबा से खासे नाराज हैं। इनका कहना है कि हमारा काम राजनीति करना नहीं, हमें तो सिर्फ जनकल्याण करना होता है, इसीलिए 21 दिनों की धुनी रमा रहा। जिस तरह से कंप्यूटर बाबा भोपाल में दिग्विजय सिंह के लिए धुनी रमा रहे थे, वह साधुओं का काम नहीं। इंदौर के बंगाली चौराहे स्थित मंदिर प्रांगण में बाबा शिवानंद 21 दिनों की धुनी रमा रहे हैं। उनका कहना है कि हम धुनी इसलिए रमाते हैं जिससे हिंदुस्तान का उद्धार हो सके और जनता की भलाई हो सके। हमारा राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जो साधु संत राजनीति करते हैं और राजनेताओं का साथ देते हैं, वह गलत है। साधु संत तो हमेशा सिर्फ जन कल्याण के काम के लिए ही होते हैं, उन्हें मोहमाया से कोई वास्ता नहीं। मेरे गुरु केदारनाथ नंद ने मुझे शिक्षा दी है, मैं हर साल गर्मी के मौसम में जनकल्याण के लिए धुनी रमाता हूँ। धुनी इसलिए रमाते हैं क्योंकि जिस गांव नगर में हम रहते हैं उस गांव नगर के लिए धुनी रमाते हैं, जनकल्याण के लिए कि भारत में सदा खुश रहे, हरा भरा चले, इसलिए धुनी रमाते हैं। नहीं जी, हमें कोई से मतलब नहीं है जी, ठीक है, हमें कोई नेतागिरी से मतलब नहीं है जी। हम जन कल्याण के लिए धुनी रमा रहे कि पूरे भारत में खुशी रहे, क्या सबके लिए रमा रहे हैं हम किसी नेता के चक्कर में नहीं रमा रहे। यह हमारे गुरु महाराज ने जो हमको भजन दिया है, हम श्री दिगंबर केदारपुरी महाराज के शिष्य हैं, तो धुनी इसलिए रमाई जाती है कि जन कल्याण के लिए। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। मुंबई इंडियन टीम की जीत को लोग अपने अपने अंदाज में बयां कर रहे हैं, मगर इंडियन तो इंडियन होते हैं, वे अपनी संस्कृति कभी नहीं छोड़ते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को तब मिला जब भारत की सबसे अमीर महिला के हाथ में उनकी टीम की जीत की हुई आईपीएल ट्रॉफी आई, तो वे अपनी खुशी को छुपा नहीं पाए और हर भारतीय महिलाओं की तरह सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करने अपने घर एंटेलिया हाउस में बने मंदिर में ठाकुर जी के श्री चरणों में रख दी। आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स को मात्र एक रन से हराकर नीता अंबानी की मुंबई इंडियन की टीम ने यह आईपीएल ट्रॉफी हासिल की है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब भैरन समाचार सुनाएंगे आपको जर्जर भोपाल। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली और कल्याण भाई। आजकल तो इलेक्शन में ऐसी ऐसी खबरें आ रही है, बहुत मजा आ रही है बता रहे हूँ। अभी कल की ये खबर सुन लो, ये दिग्विजय सिंह के समर्थन में ये कंप्यूटर मोबाइल वाले बाबा हैं। कौन से बाबाओं के नाम भी देखो कि टेक्निकल हो गए हैं आजकल। वो है ना, तांत्रिक विद्या कर रहे हैं, कुछ तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, ये तंत्र मंत्र का उपयोग करना है तो अच्छे कामों में कर लो भैया, थोड़ा ये आतंकवाद समाप्त करवा दो, ये भ्रष्टाचार दूर भगाओ, ये ऐसे काम करो इनके लिए। बाबाओं को मैं बता रही हूँ, ये बाबा वही है, इनको पीछे राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया था। और मैं बता रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लूँ, अगले चुनाव के बाद हो सकता है मेरे को मंत्री वंत्री बना दें। बाबाओं को धंधा अच्छा है, बता रही हूँ। और ये खबर ये देख लो, प्रियंका गांधी और ये है ना, अब चुनाव में इनको जो स्क्रिप्ट राइटर वगैरह होती है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और पहले इनको ये दुर्योधन वगैरह बोल रही हैं मोदी को, और उसके बाद ये राष्ट्रकवि दिनकर की कविताएँ सुना रही हैं। जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, बताओ। अब ये कविताएँ वगैरह इनको समझ में आती है कि नहीं, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन उपयोग बहुत अच्छा हो रही है। हाँ, ये तो चल रहा है। और ये प्रज्ञा ठाकुर, इनको है ना, ये मेडिकल ग्राउंड पे बाहर आई थी, इनको इनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। कल में मोटरसाइकिल वगैरह पर देखा इनको, धूप में घूम रही थी पूरे शहर में। अब मुझे लगता है कि हो सकता है ये धूप से उनको भी कुछ फ़ायदा मिलता हो, और चुनाव में तो घूमना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, बता रही हूँ। वो ये कांग्रेसी लोग देखो भैया, गट्ठे भर भर के है ना, वो शिवराज सिंह चौहान के बंगले पे पहुंच गए, वहाँ पे वो सब सबूत देने के करीब माफ़ी के। उन्होंने कहा भैया बैंक वाली लिस्ट लाओ, ये कौन सी लिस्ट लेके आए, वो भी मुख्यमंत्री रहे, उनको पता है माफ वाफ कैसे होता है, बता रहे। ये सबूत ले लेके जा रहे हैं, मतलब क्या परंपराएं शुरू हो गई हैं बता दो। और उनकी सरकार आ गई फिर से, तो फिर ये लेके जाएंगे सबूत, ये तो चल रहा है बता रहा हूँ। एक दूसरे को नीचे दिखाने में है ना, कोई कसर छोड़ नहीं रहे, बता रही हूँ। हाँ, ये चल रहा है। वो आजकल कैलाश विजयवर्गीय नहीं दिख रहे, और वो मुझे पता लगा वहाँ गए हुए पश्चिम बंगाल, वहाँ पर ममता बनर्जी को बहुत टेंशन में ला दिया उन्होंने, बहुत मेहनत कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है, हमारे मध्य प्रदेश के हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे। और मैंने सुना है उनकी ससुराल भी वहीं है, तो वहाँ पर स्वागत वागत भी अच्छा होता होगा उनका। और मैं बता रहा अभी क्या रिजल्ट आ रहे हैं, 10वीं 11वीं 12वीं के, वो ऐसे लपक के नंबर मिल रहे हैं, 500 में से 499, ऐसे मतलब बच्चों को है ना वो शिक्षा मजदूर बना दिया है, बता रहे हूँ। ऐसी मजदूरी करवा रहे हैं बच्चों से लपक के, स्कूल से आए बस्ता फेंका और फिर कोचिंग जाओ, ये पूरी
24 घंटे पढ़ाई वढ़ाई, खेलना कूदना उनका बंद हो गया बेचारों का, वो नंबर देके बड़े खुश होते माँ बाप। हमें बता रहे हैं उनका मानसिक विकास भी तो जरूरी है। वो ये जो जांचने वाले कॉपी पेपर बनाने वाले पता नहीं क्या चल रहा है, हमारे टाइम में तो 60% आ जाते थे, पूरा मोहल्ले मिठाई बांटता था। वो अब तो भैया हर आदमी मिठाई बांट रहा है, 90% से किसी कम नहीं आते। तो ये था तो चल रहा है, मजदूरी चल रही है शिक्षा क्षेत्र में। और मैं भी सोच रहा हूँ भैया फिर से है ना अपनी परीक्षा दे लूँ, अपना परसेंटेज सुधार लूँ, लपक के नंबर मिल रहा है इस समय। हाँ तो भैया मैं चला कोचिंग पढ़ने। नमस्कार। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।